देखिए करवा चौथ इसकी जो परंपरा है यह बहुत ही प्राचीन काल की है, बहुत ही पुरानी है। जैसा हम लोग पौराणिक आख्यान देखते हैं, पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब पांडव वनवास में थे और वनवास के समय में जब शक्तियाँ अर्जित करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गए तो द्रौपदी को अनायास ही बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि इंद्रकील पर्वत जो है जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि बहुत ही कठिन दुर्गम पहाड़ी थी, वहाँ पर किसी के लिए भी जाना बहुत दुस्सह था, बहुत कठिन था। तो जब अर्जुन उस पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए तो द्रौपदी को चिंता होने लगी कि इनकी आयु की रक्षा कैसे होगी, इनकी आरोग्यता की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी है, वहाँ पर इनके जान जाने का संकट है। तो फिर वो चिंतित होकर के भगवान कृष्ण से इसका उपाय पूछे कि हमारे पति की रक्षा कैसे होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको इरावती की कथा सुनाई, वीरावती की। एक वीरावती स्त्री थी, ब्राह्मणी कन्या, जिसने अपने पति का प्राण एक वर्ष के बाद प्राप्त कर लिया था इस व्रत के प्रभाव से, और स्वयं द्रौपदी ने इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से अर्जुन जो है वो इंद्रकील पर्वत से पूरा समर्थवान होकर के पूर्ण आरोग्यता के साथ लौटे और शक्तियां अर्जित करते हुए लौटे। तो यही पारंपरिक आधार है इसका, यही परंपरा है, यही पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं कथाओं को आधार बना करके, और चूँकि हमारा ये सनातन धर्म है, यह विश्वास पर है, पौराणिक आधारों पर है, तो पुराणों में यह आधार बहुत बड़ा एक संबल प्राप्त है कि इसको करने वाले के पति की को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सौभाग्य जो है अनुकूल रहता है, सर्वविध अनुकूलता बनी रहती है, सुखद दाम्पत्य रहता है। देखिए प्रत्येक स्थानों पे थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि सबका क्षितिज अलग अलग है। तो आप वाराणसी में, चूँकि हम लोग बात करते हैं, तो वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में 8 बजे चंद्रमा का उदय होना है, और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, 1-2 मिनट आगे पीछे की बात है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका जो देशांतर है, जो अंतर होता है दो दो स्थानों का, उन स्थानांतर जन्य कुछ समय आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 8 बजे चंद्रोदय का समय निश्चित। सर इसमें एक चीज़ और होता है कि महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पीछे कारण क्या होता है इसके पीछे? क्यों देखिए इस दिन जो है वो हमारे यहाँ बताया गया कि सौभाग्य का व्रत है, और पूर्ण सौभाग्य हमारे यहाँ 16 कलाओं का पूर्ण श्रृंगार है। तो पूर्ण श्रृंगार करने के बाद से पूर्ण सौभाग्य का जो सूचक है उससे श्रृंगार करते हुए और पूर्ण स्वरूप में अपने पति के अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। अर्थात जो ये इनका 16 जो ये श्रृंगार है वो श्रृंगार अक्षुण्ण तब बना रहेगा जब पति आरोग्यतापूर्ण दीर्घायुष रहेगा पति का। तो उसी के लिए उसके प्रतीकात्मक के रूप में पूर्ण भाव से पूजन करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से वो समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से तैयार होते हैं।